Dear students, interest on drawing के लिए हमने पहले दो lectures cover किए, जिसमें पहले में interest on drawing कैसे calculate करते हैं वो concept लिया. दूसरा, अगर regular interval में drawing की जाती है और वो भी equal amount, तो उसका एक case लिया, जिसके अंदर हमने ये समझा था कि अगर drawing हर इंटरवल में के बिगिनिंग में अगर होती है, ड्राइंग अगर हर इंटरवल के बिगिनिंग में होती है तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैसे निकालेंगे. आज हम एक केस ले रहे हैं कि अगर हर इंटरवल के एंड में ड्राइंग हो और वो भी इक्वल अमाउंट हो तो कैसे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकालेंगे. तो देखिए, ये एक क्वेश्चन है. देवांशु एंड प्रदुमन आर पार्टनर्स. Their drawings are 24,000 and 96,000 and 96,000 respectively during the year, evenly at the end of the every month. तो देवांशु की ड्राइंग से 24,000, प्रदुमन की ड्राइंग से 96,000, ये पूरे साल भर की है. और विड्रॉ कब करी? ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में ये पैसे विड्रॉ किए दोनों ने रिस्पेक्टिव अमाउंट. इवनली एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के एंड में पैसा निकाला. इवनली यानी इक्वल निकाला, मतलब कि देवांशु ने कितने पैसे निकाले. देवांशु एवरी मंथ ड्राइंग, एवरी मंथ ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी? तो देवांशु की ड्राइंग होगी 24,000 पूरे 12 महीने में, डिवाइड बाय 12 किया तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2,000. देवांशु ने हर महीने के एंड में 2,000 विड्रॉ किए. अब इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग कैसे निकालेंगे? वही जो पिछली मेथड थी वही मेथड यहां अप्लाई करके देखते हैं अब. ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखें, एक मेथड तो ये है जो बोर्ड पर दिख रही है, यानी हर एक मंथ की ड्राइंग पे अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लो. जैसे कि पहले उन्होंने अप्रैल के एंड में पैसा निकाला, हर महीने के एंड में पैसे निकाले ना, तो फर्स्ट मंथ है अप्रैल. अप्रैल के एंड से मार्च एंड तक अगर हम कैलकुलेट करें तो 11 मंथ होते हैं. तो 2000 प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और टाइम 11 मंथ है. तो ये अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट हो गया 220 रुपीज़. ऐसी मई के मंथ में, अगला मंथ है मंथ ऑफ मई, मंथ ऑफ मई के एंड से मार्च एंड तक 10 मंथ होते हैं. तो देखिए कैसे निकाला इंटरेस्ट, 2000 प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने हर महीने विड्रॉ किया है, इंटू 12% रेट, इंटू 10 मंथ का इंटरेस्ट, ये हो गया 200. ऐसे हर एक पे अलग अलग निकालते जाते हैं इंटरेस्ट. तो लास्ट में पोजिशन क्या बनेगी, 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 मंथ होते हैं. अब 2000 हर महीने निकाले, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, टाइम 0 मंथ है, तो 0 इंटरेस्ट आ गया. ये पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट हो गया 1320. ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देवांशु का. एक ऐसे निकाल सकते. दूसरा तरीका, अगर हर इंटरवल सेम है, हर महीने महीने पैसे निकाले ना, कभी एक महीने में कभी चार महीने में पैसे निकाले, ऐसा नहीं हुआ है, हर महीने पैसे निकाले और हर महीने के एंड में पैसे निकाले, मतलब पहली विड्रावल से दूसरे विड्रावल के बीच में जो इंटरवल है वो एक महीने का है, टाइम इक्वल है, हर महीने 2000 निकाले, अमाउंट भी इक्वल है, तो ऐसे केस में आप शॉर्टकट मेथड से भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. 2000 पे हर बार निकाले तो ये 2000 ले लिया, 12% इंटरेस्ट की रेट है, ये 12% ले लिया. अब हम कर क्या रहे थे, पहले वाले में हमने 11 मंथ का इंटरेस्ट निकाला था, पहली वाली ड्राइंग पर हमने 11 मंथ का इंटरेस्ट निकाला, दूसरे वाले पर 10 मंथ का, 9 मंथ का, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 मंथ का इंटरेस्ट निकाला, टोटल 66 मंथ का इंटरेस्ट निकाला. तो हमने इकट्ठा एक ही बार में 66 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लिया. 2000 पे हर बार इंटरेस्ट निकाले, हर महीने निकाले निकाले फिर टोटल करें, बेटर है कि 2000 पे 66 मंथ का इकट्ठा इंटरेस्ट निकाल लो, सेम आंसर आ गया. देख लो, जो पहले आंसर आया था वो यहाँ पर आया, वो भी सेम आया. तो इस ढंग से अगर पीरियोडिकल ड्राइंग्स लेनी हो, मंथली ड्राइंग लेनी हो, तो इस ढंग से इंटरेस्ट निकाल लो, टोटल कितने महीने होते हैं वो एक बार में जोड़ लो. एक और तरीका होता है, अगर एनुअल ड्राइंग के बेसिस पे इंटरेस्ट निकालना हो
तो पूरे साल में 24,000 विड्रावल हुए हैं, तो 24,000 अपना प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, रेट 12% है इनटू टाइम। अभी टाइम 5.5 मंथ कैसे लिया, तो एवरेज टाइम, अगर एनुअल ड्राइंग लेना है तो एवरेज टाइम लेंगे, और जहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग दिए वहाँ पे एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे। पहले वाली ड्राइंग का टाइम था 11 मंथ, आखिरी वाली ड्राइंग का टाइम था 0 मंथ। 11 और 0 का एवरेज, 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 5.5 मंथ, तो ये 5.5 मंथ ले लो। तो अगर एनुअल ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना है तो एनुअल ड्राइंग ले लो, उस पर टाइम फिर पहला महीना और आखिरी महीना इनका एवरेज, पहली ड्राइंग का टाइम और आखिरी ड्राइंग का टाइम उनका एवरेज ले लो, अगर इंटरवल सेम है तो एवरेज टाइम ले लिया। तो तीनों ढंग से कैसे भी इंटरेस्ट निकाला जा सकता है, बस हमको ये ध्यान रखना कि अगर मंथली ड्राइंग दिए तो डायरेक्ट ये वाली मेथड एडॉप्ट कर लो, अगर एनुअल ड्राइंग दी है तो ये वाली मेथड एडॉप्ट कर लो, ठीक है। तो किसी भी ढंग से इंटरेस्ट निकालो, हर केस में इंटरेस्ट तो सेम ही आएगा, ठीक है। ये था, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पहले पिछले लेक्चर में मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर हर महीने के बिगिनिंग में पैसे निकाले तो, यहां पे हमने लिया अगर हर महीने के एंड में पैसे निकाले तो। अब अगला लेक्चर देखिएगा मेरा, उसके अंदर हम लेंगे अगर हर महीने के मिड में पैसे निकाले तो तब क्या करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमने पहले दो लेक्चर्स कवर किए, जिसमें पहले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कंसेप्ट लिया, दूसरा अगर रेगुलर इंटरवल में ड्राइंग की जाती है और वो भी इक्वल अमाउंट, तो उसका एक केस लिया जिसके अंदर हमने ये समझा था कि अगर ड्राइंग हर इंटरवल में के बिगिनिंग में अगर होती है, ड्राइंग अगर हर इंटरवल के बिगिनिंग में होती है तो इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकालेंगे। आज हम एक केस ले रहे हैं कि अगर हर इंटरवल के एंड में ड्राइंग हो और वो भी इक्वल अमाउंट हो तो कैसे इंटरेस्ट ड्राइंग निकालेंगे। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन है, देवांशु एंड प्रदुमन आर पार्टनर्स, देयर ड्राइंग्स आर 24,000 एंड 96,000 एंड 96,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। तो देवांशु की ड्राइंग से 24,000, प्रदुमन की ड्राइंग से 96,000, ये पूरे साल भर की है, और विड्रॉ कब करी, ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में ये पैसे विड्रॉ किए दोनों ने रिस्पेक्टिव अमाउंट, इवनली एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के एंड में पैसा निकाला, इवनली यानी इक्वल निकाला, मतलब कि देवांशु ने कितने पैसे निकाले, देवांशु एवरी मंथ ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी, तो देवांशु की ड्राइंग होगी 24,000 पूरे 12 महीने में डिवाइड बाय 12 किया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,000। देवांशु ने हर महीने के एंड में 2,000 विड्रॉ किए। अब इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग कैसे निकालेंगे, वही जो पिछली मेथड थी वही मेथड यहां अप्लाई करके देखते हैं अब, ठीक। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें एक मेथड तो ये है जो बोर्ड पे दिख रही है, यानी हर एक मंथ की ड्राइंग पे अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लो, जैसे कि पहले उन्होंने अप्रैल के एंड में पैसा निकाला, हर महीने के एंड में पैसे निकाले ना, तो फर्स्ट मंथ है अप्रैल, अप्रैल के एंड से मार्च एंड तक अगर हम कैलकुलेट करें तो 11 मंथ होते हैं, तो 2000 प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और टाइम 11 मंथ है, तो ये अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट हो गया 220 रुपीज़। ऐसी मई के मंथ में, अगला मंथ है मंथ ऑफ मई, मंथ ऑफ मई के एंड से मार्च एंड तक 10 मंथ होते हैं, तो देखिए कैसे निकाला इंटरेस्ट, 2000 प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने हर महीने विड्रॉ किया है इंटू 12% रेट इंटू 10 मंथ का इंटरेस्ट, ये हो गया 200। ऐसे हर एक पर अलग अलग निकालते जाते हैं इंटरेस्ट, तो लास्ट में पोजिशन क्या बनेगी, 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 मंथ्स होते हैं। अब 2000 हर महीने निकाले इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, टाइम 0 मंथ है, तो 0 इंटरेस्ट आ गया,
ये पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट हो गया 1320, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देवांशु का। एक ऐसे निकाल सकते। दूसरा तरीका, अगर हर इंटरवल सेम है, हर महीने महीने पैसे निकाले ना, कभी 1 महीने में, कभी 4 महीने में पैसे निकाले, ऐसा नहीं हुआ है, हर महीने पैसे निकाले और हर महीने के एंड में पैसे निकाले, मतलब पहली विड्रावल से दूसरे विड्रावल के बीच में जो इंटरवल है वो 1 महीने का है, टाइम इक्वल है, हर महीने 2000 निकाले, अमाउंट भी इक्वल है। तो ऐसे केस में आप शॉर्टकट मेथड से भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 2000 पे हर बार निकाले तो ये 2000 ले लिया, 12% इंटरेस्ट की रेट है, ये 12% ले लिया। अब हम कर क्या रहे थे, पहले वाले में हमने 11 मंथ का इंटरेस्ट निकाला था, पहली वाली ड्राइंग पर हमने 11 मंथ का इंटरेस्ट निकाला, दूसरे वाले पर 10 मंथ का, 9 मंथ का, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 मंथ का इंटरेस्ट निकाला, टोटल 66 मंथ का इंटरेस्ट निकाला। तो हमने इकट्ठा एक ही बार में 66 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लिया। 2000 पे हर बार इंटरेस्ट निकाले, हर महीने निकाले, फिर टोटल करें, बेटर है कि 2000 पे 66 मंथ का इकट्ठा इंटरेस्ट निकाल लो, सेम आंसर आ गया। देख लो, जो पहले आंसर आया था वो यहाँ पे आया, वो भी सेम आया। तो इस ढंग से अगर पीरियोडिकल ड्राइंग्स लेनी हो, मंथली ड्राइंग लेनी हो, तो इस ढंग से इंटरेस्ट निकाल लो, टोटल कितने महीने होते हैं वो एक बार में जोड़ लो। एक और तरीका होता है, अगर एनुअल ड्राइंग के बेसिस पे इंटरेस्ट निकालना हो, तो पूरे साल में 24,000 विड्रावल हुए हैं, तो 24,000 अपना प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, रेट 12% है, इनटू टाइम, अभी टाइम 5.5 मंथ कैसे लिया, तो एवरेज टाइम, अगर एनुअल ड्राइंग लेना है तो एवरेज टाइम लेंगे, और जहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग दिए वहाँ पे एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे, पहले वाली ड्राइंग का टाइम था 11 मंथ, आखिरी वाली ड्राइंग का टाइम था 0 मंथ, 11 और 0 का एवरेज, 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 5.5 मंथ, तो ये 5.5 मंथ ले लो। तो अगर एनुअल ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना है तो एनुअल ड्राइंग ले लो, उस पर टाइम, फिर पहला महीना और आखिरी महीना इनका एवरेज, पहली ड्राइंग का टाइम और आखिरी ड्राइंग का टाइम उनका एवरेज ले लो, अगर इंटरवल सेम है तो एवरेज टाइम ले लिया। तो तीनों ढंग से कैसे भी इंटरेस्ट निकाला जा सकता है, बस हमको ये ध्यान रखना कि अगर मंथली ड्राइंग दिए तो डायरेक्ट ये वाली मेथड एडॉप्ट कर लो, अगर एनुअल ड्राइंग दी है तो ये वाली मेथड एडॉप्ट कर लो, ठीक है। तो किसी भी ढंग से इंटरेस्ट निकालो, हर केस में इंटरेस्ट तो सेम ही आएगा, ठीक है। ये था, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले पिछले लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल लिया था कि अगर हर महीने के बिगिनिंग में पैसे निकाले तो, यहां पे हमने लिया अगर हर महीने के एंड में पैसे निकाले तो। अब अगला लेक्चर देखिएगा मेरा, उसके अंदर हम लेंगे अगर हर महीने के मिड में पैसे निकाले तो, तब क्या करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।